नेहरूवादी आम सहमति शब्द से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। नेहरूवादी सहमति शब्द भारत द्वारा स्वतंत्रता के बाद के युग में अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अपनाए गए आधारभूत राजनीतिक और आर्थिक दर्शन को संदर्भित करता है। इस सहमति ने कई दशकों तक देश की नीतियों और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य को आकार दिया। यह विदेश नीति में लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्षता के मिश्रण की विशेषता है। इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरूवादी सहमति उभरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू ने नए स्वतंत्र राष्ट्र के प्रक्षेपक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आम सहमति का उद्देश्य एक नए संप्रभु राज्य के सामने आने वाली विविध चुनौतियों का समाधान करना था, जिसमें आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक असमानताएं और राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता शामिल थी। तो नेहरूवादी आम सहमति के कुछ मेन एलिमेंट्स थे, जैसे कि लोकतांत्रिक समाजवाद। नेहरू ने समाज के एक समाजवादी पैटर्न की कल्पना की थी, जहां संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास राज्य द्वारा निर्देशित होगा। आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय के साथ संतुलित करना था। इस दृष्टिकोण ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की, जहां सरकार निजी उद्यम की अनुमति देते हुए प्रमुख उद्योगों को नियंत्रित करती थी। 1951 में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाएं इस दृष्टिकोण के केंद्र में थी, जिसमें कृषि और औद्योगिक विकास पे जोर दिया गया था। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। नेहरू का भारत का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष था, जहां राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थता बनाए रखता था। धार्मिक विविधता वाले राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता महत्वपूर्ण थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके एकता को बढ़ावा देना और शांति बनाए रखना था कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म को तरजीह न दी जाए। यह दृष्टिकोण भारतीय संविधान में निहित था और इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना था, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्षता। विदेश नीति के क्षेत्र में नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले शीत युद्ध युग के शक्ति ब्लॉकों से स्वतंत्रता बनाए रखना था। इसका लक्ष्य भारत की संप्रभुता की रक्षा करना और वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देना था। इस नीति ने भारत को आपसी सम्मान और गैर हस्तक्षेप के आधार पर विभिन्न देशों के साथ जुड़ने की अनुमति दी, साथ ही उपनिवेशवाद और निरस्त्रीकरण की वकालत भी की। नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ। आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ तीन तरह की थी। पहला आर्थिक नियोजन था। आर्थिक विकास के लिए नेहरू जी का दृष्टिकोण नियोजित अर्थव्यवस्था के सोवियत मॉडल से काफ़ी प्रभावित था। पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन को तैयार करने और उनकी देखरेख करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये योजनाएं बुनियादी ढांचे के विकास, औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। मजबूत औद्योगिक आधार बनाने के लिए इस्पात, मशीनरी और ऊर्जा जैसे भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। दूसरा है कृषि सुधार। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को पहचानते हुए नेहरू ने भूमिहीन और सीमांत किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करने के उद्देश्य से भूमि सुधार शुरू किए। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और हरित क्रांति जैसी पहल भी इस रणनीति का हिस्सा थी। तीसरा है सामाजिक कल्याण। नेहरू की दृष्टि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से सामाजिक कल्याण नीतियों तक फैली हुई थी। जोर दिया जा रहा था एक साक्षर और स्वस्थ आबादी बनाने पर, जो देश के विकास में योगदान दे सके। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे उच्च शिक्षा संस्थान
स्थापित किया गया। तीसरा नेक्स्ट है इसका प्रभाव क्या था। तो प्रभाव जैसे कि प्रभाव में अलग अलग तरह के प्रभाव थे। पहला था आर्थिक परिवर्तन। नेहरूवादी आम सहमति ने भारत के आर्थिक परिवर्तन की नींव रखी। औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से भविष्य की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक स्थितियां बनी। आत्मनिर्भरता और आयात प्रतिस्थापन पर जोर देने से विदेशी वस्तुओं और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने में मदद मिली। दूसरा है सामाजिक एकीकरण। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय नीतियों ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया और भारत की विविधता को प्रबंधित करने में मदद की। जबकि चुनौतियां बनी रही, इस ढांचे ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आधार प्रदान किया। तीसरा प्रभाव जो है गुट निरपेक्षता और वैश्विक के ऊपर है। नेहरू की गुट निरपेक्षता नीति ने भारत को वैश्विक दक्षिण में एक नेता और नए स्वतंत्र राष्ट्रों की आवाज़ के रूप में स्थापित किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका और उपनिवेशवाद के उन्मूलन की वकालत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण सम्मान और प्रभाव दिलाया। अब कोई भी चीज़ होता है उसकी तो आलोचनाएं की जाती हैं और आलोचनाएं के साथ चुनौतियां आती हैं। तो पहला था आर्थिक बाधाएं। राज्य द्वारा संचालित आर्थिक मॉडल को अकुशलता और प्रतिस्पर्धा की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। नौकरशाही नियंत्रण और लाइसेंस राज्य ने उद्यमशीलता की पहल को दबा दिया और लंबे समय से आर्थिक ठहराव को जन्म दिया। नेहरूवादी आर्थिक नीतियों की कमी ने अंततः 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण को जन्म दिया। लगातार दूसरा है लगातार असमानता है। भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के प्रयासों के बावजूद महत्वपूर्ण असमानताएं बनी रहीं। विकास के लाभ असमान रूप से वितरित किए गए और ग्रामीण शहरी विभाजन एक बड़ी चुनौती बनी रही। तीसरा है विदेश नीति की सीमाएं। जबकि गुट निरपेक्षता ने रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान की, इसने सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में भी सीमाओं का सामना किया, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ। 1962 के चीन भारतीय युद्ध ने भारत की रक्षा और विदेश नीति के दृष्टिकोण में कमजोरियों का उजागर किया। कंक्लूजन पे निष्कर्ष क्या है? नेहरूवादी सहमति ने भारत के शुरुआती वर्षों को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की। हालांकि इसमें कुछ कमियां थी, लेकिन भारत के प्रक्षेपक पर इसके प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। नेहरूवादी सहमति की विरासत समकालीन भारतीय राजनीति और नीतियों को प्रभावित करती रहती है, जो इसकी उपलब्धियों और इसकी सीमाओं से सीखे गए सबक दोनों को दर्शाती है।